नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शहर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में पटाखों की दुकानें सज गई हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी शहर से दूर स्टेडियम में पटाखों की दुकानें सजाए जाने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए थे। इसी के चलते यहाँ पर दुकानें सजाई गई हैं। साथ ही साथ नगर पालिका द्वारा पानी और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। इस पटाखों की दुकान में एक खास बात यह है कि यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज में अध्यापन करने वाले प्राध्यापक द्वारा भी दुकान लगाई जाती है। इस दुकान लगाए जाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है, इस खबर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। एक निजी महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने वाले प्राध्यापक हर साल सिर्फ इसलिए पटाखे की दुकान सजाते हैं ताकि उससे मिलने वाली राशि पुण्य कार्य में लग सके। गत वर्ष उन्होंने गौशाला में राशि समर्पित की थी। इस बार फिर उन्होंने एक अच्छे ध्येय के साथ अपने साथियों सहित दुकान लगाई है और जो भी इससे राशि प्राप्त होगी वो किसी पुण्य कार्य में समर्पित की जाएगी। शहर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में पटाखे की दुकान लगाए प्राध्यापक नीलेश द्विवेदी ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ सिर्फ इसलिए पटाखे बेचने का कार्य करते हैं ताकि 2-3 दिन में जो राशि इकट्ठा हो उसका किसी सत्कार में उपयोग हो सके। उन्होंने बताया कि गत वर्ष काफी राशि इकट्ठा हुई थी। पटाखों की बिक्री के बाद जो राशि शेष बची उसे गौशाला में दान कर दिया गया था। इस बार की प्राप्त होने वाली राशि फिर किसी धर्म कार्य में समर्पित की जाएगी। पटाखे की दुकान है और भाई साहब मतलब हमें मतलब लगाए हुए हैं उसमें, और उससे जो भी मुनाफा होगा मतलब उसकी मूल लागत काट के जो भाई साहब की लगी है, जितना भी मुनाफा होगा उस सब को दान कर दिया जाएगा बच्चों में। मेरी स्टेडियम में दुकान नंबर 15 संचालित है। इस दुकान से जो मेरी मूल लागत लगी है उसके अलावा जो भी पैसा एक्स्ट्रा मतलब कमाई होगी वो सारा पैसा गरीबों की आर्थिक सहायता में खर्च करना है। पिछले साल भी ऐसा किया था, इस बार भी जरा संकल्पित हूँ पूरे मन से ऐसा कार्य करना है। यहाँ पे आज सारे पटाखों की दुकान लगी हुई है बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में। मेरी दुकान नंबर है 55 और इस बार हम लोगों ने काफ़ी न्यू तरीके के पटाखे लाए हुए हैं और प्रदूषण को देखते हुए भी ग्रीन पटाखे का यूज कर रहे हैं इस बार हम लोग। और जो हमारे सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है कलेक्टर साहब महोदय के द्वारा, उन्होंने हम लोग फायर ब्रिगेड की, पानी की व्यवस्था और हम लोगों ने भी अग्निशामन और बाकी बालू वालू की सारी व्यवस्था की है इस बार।